तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं तो हमारी तो वो है कि खुद भी दीवाने हैं कुछ लोग दीवारो हीरो बड़े फिर देर क्या हों आते बस मोहब्बत कर दिया दो त्रै गाने गा के फिल्मा डायलाग बोल के तो चला जाता है हीरो उस रात माँ ने कोई बच्चे को को थे आजकल ऐसा नहीं हस्ती ना चीज ठहरेगी फना के सामने शमा की लौसार उठाएगी हवा के सामने घास का तिनका सजा दे और किसे तूफान को तुमने देखा ही नहीं अब तक दिले अबासम में रूबाहों को धड़का है कि शेर आता है हम में तुम बच्चे हो चूचे हो कि तुम्हें हर वक्त किसी की उंगली पकड़ के चल देंगे जरूरत महसूस होती हो मैं तो सभी प्यार किया करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम मैं हूं वहीद खान आप देख रहे हैं वहीद खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मेरा आज के मेहमान एक ऐसी लेजेंड पर्सनैलिटी हैं जो फन की दुनिया में एक उस्ताद की हैसियत रखते हैं इन्होंने ला तदात उ और पंजाबी ड्रामों के अलावा सिंधी, सिन्धी की हिंदू और पश्ता फिल्मों में भी काम किया है इन्हें इन्हेंकुमत पाकिस्तान की जानब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी निवाजा गया ए लेपर स्टार वन एंड ऑनली फिर साहब असल फिरदोशाल साहब कैसे हैं आप वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वरकातुहु वहीद खान साहब आपको और आपके तमाम देखने वालों को बहुत बहुत सलाम अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने जुमान में रखे खुश रहें आबाद रहें हम उम्मीद करते हैं कि इस कोरोना जैसी वबा में आप महफूज होंगे और जो है अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखने होंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल तो अल्लाह का शुक्र है कि Uh, मैं भी और मेरे बच्चे भी हम फिलहाल तो महफूज ही हैं अल्लाह ताला आप सबको भी और तमाम को तमाम इंसानों के खास तौर पर अपने बंदों को अल्लाह अपनी जुबान में रखे हर वबा से हर बीमारी से महफूज रखे आपको भी आपके प्यारों को भी हम सब आमीन हाँ आज हम जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसी चीजें जैसे कि माशाल्लाह आपका आप एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं एक्टिंग लाइन के अंदर आप एक पठान फैमिली से ताल्लुक रखते हैं दे, रखते हैं बल्कि तो ऐसा नौजवान जो एक पठान फैमिली से ताल्लुक रखता हो जो कि रोना और गाना किसे नहीं आता तो ये रोना और गाना तो हमें बचपन से ही आता था और हंसना भी बस सिर्फ ये है कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है अदाकारी में तो चीजों को रिप्रोड्यूस करना होता है दोबारा करना होता है जैसे मसान एक बंदा थप्पड़ खा लेता है बच्चा अगर माँ उसको या बाप उसको थप्पड़ मारे तो वो फौरन उसका रिएक्शन होता है वो रो पड़ता है लेकिन उसे अगर आप कहें कि बगैर थप्पड़ के या जाली थप्पड़ से आप दोबारा वही एक्सप्रेशन दे तो वो रिपीट नहीं कर सकेगा जबकि एक्टर में क्वालिटी होती है कि वो उसको रिप्रोड्यूस कर लेता है तो बस सिर्फ यही है कि जिंदगी है जिंदगी को दोबारा जिंदगी बना बनाना जो है ये अदाकारी तो जब इन स्टेट में हर आदमी स्ट्रगलिंग दौर से गुजरता है आपको क्या मुश्किल आई शुरू शुरू में जब आप ऑडिशन देने जाते होंगे मुश्किल तो बहुत, बहुत सारी मुश्किलें कोई भी दुनिया का कोई काम भी वही आसान नहीं है मैं नहीं समझता कि कोई भी अगर आप काम करते हैं पहला नए नय, नया काम जैसे अब आप यहाँ से गए होंगे आयरलैंड में आपने डबलन में या पत्नी कहाँ कहाँ आपने कितनी ठोकरें खाई होंगी कितनी स्ट्रगल्स की होंगी क्या कुछ आपने कितनी एफर्ट की होगी और कितने जोड़ तोड़ किए होंगे जिंदगी के कितने आपने फैसले कभी किए होंगे फिर उनको छोड़ा होगा फिर नए फैसले ये सारा जिंदगी के साथ साथ है, ये प्रोसेस है आ, तो वो कुदरत जो है ये बंदे की तरबियत करती है तरबियत फितरत से करती है जो उसका इन्वायरमेंट है उसको ऐसा अता कर देती है मसलन जिसको अल्लाह जो बनाना चाहता है ना उसको वो माहौल फराहम कर देता है यह अल्लाह का उसूल है ये साइंस है मसलन किसी ने अगर पीएचडी करनी है किसी भी फील्ड में चाहे फिजिक्स में है चाहे मैथमेटिक्स में है चाहे जर्नल नॉलेज में है चाहे एस्ट्रोनॉमी uh, में है एस्ट्रोलॉजी में है तो आपको uh, वो माहौल अल्लाह तबारक मुहैया कर देता है जिससे आपका एप्टीट्यूड, आपका रवैया बन जाता है तो वो एप्टीट्यूड आपको फिर आगे लेके चलता है मैं माफी चाहता हूँ थोड़ा सा आपको कॉल आ गई तो मैं उसको ऑफ कर देता हूँ uh. मैं हिफाजत हूँ ये असल में कुछ लोग होते हैं कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं है, तो हमारी तो वो है कि खुद भी दीवाने हैं कुछ लोग दीवाना बना देते हैं तो हम कहाँ थे वो कहाँ हुई एक्टिंग के बारे में बता रहे थे कि स्टार्टिंग तो वो जिस तरह का बंदा बनना चाहता ना कुदरत जिसको जो बनाना चाहती है आ, वो उस तरह का अल्लाह तबारक जो है वो इनवाट जो है वो फराहम कर देते हैं। वो बात शेयर करें आ, जब आपको शुरू शुरू में काम नहीं मिलता था तो, तो प्रोड्यूसर को जो है थोड़ा सा वाकई शेयर करें मेरे से अब वो हमारी मिसेज मनोहर तोफी प्रोड्यूसर थी खातून थी तो ये सेवेंटी थ्री की बात है तो उन दिनों कुछ पेशावर में Uh, ब्लास्टिंग वगैरह भी हो रही थी कोई एक दो जगहों पे जिसमें वो हयात खान शेरपाव भी जो है वो शहीद हो गए थे इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ब्लास्ट हुआ था कुछ पता नहीं क्या सूरत हाल थी कुछ पॉलिटिकल था ये क्या था वट इट वाज तो वो चूंकि थोड़ा सा एक खौफ पहली बरतबा मतलब है इस तरह से सोसाइटी में था तो मैं रोज जाता था ऑडिशन के लिए तो अच्छा आपको कास्ट करेंगे कास्ट करेंगे सब कहते अच्छा भाई कुछ कहते थे कि यार आप छोटे मैं जरा स्किनी था बहुत दुबला पतला था आ, आ, इतने कुछ खुशहाल हम लोग थे नहीं कि बेताशा जिस तरह खुशहाल आप जैसे बच्चे जो है ना ज्यादा खा खा के माशाल्लाह तो वो सेहतमंद हो जाते तो हमारे पास खाने को इतना नहीं था कि हम मोटे या मोटे ताजे होते तो हम बिल्कुल मतलब मैं भी स्किनी सा था बस इतनी रोटी मिल जाती थी कि जिससे हमारा गुजर ओकात हो जाती थी इतना मेरे वाले साहब चूंकि हक हलाल की कमाते थे तो वो मेहनत बहुत ज्यादा करते थे हम भी उनके साथ बचपन में काम करते थे उनकी दुकान पे तो बहर एनी anyway, वो मैं ही सा था तो इतनी मेरी पर्सनैलिटी नहीं थी और एज भी इतनी नहीं थी सत्रह अठारह साल का मैं था मतलब फर्स्ट ईयर में मैं था या सेकंड ईयर में ज्यादा तो मैं वो कहते थे कि हम आपको कौन सा रोल दें क्या मतलब है आप क्या करेंगे ना आप बच्चों में हैं ना आप बड़ों में हैं तो आपको रोल कौन सा दें मैंने कहा नहीं मैं बुढा भी कर लेता हूं मैं बाबा भी बन जाता हूं आप मुझे मेकअप करके दिखाएं आप आप तो मैं आपको कर दूंगा यानी मुझमे अल्लाह तबार ने तबारकाले एक कैरेक्टर एक्टर की जो एक खूसियात है वो रखी हुई थी और वो भी मैंने एक फिल्म देखी थी बहू रानी Uh, कवी साहब की मोहम्मद अली साहब जेबा उसमें थी वाल तो उसमें uh, साहब ने यंग टू ओल्ड रोल एक किया था तो उससे पहले तो जनाब हमको सुधीर और मोहम्मद अली और जो चूंकि इंडियन फिल्में तो नहीं आती थी वो तो हम जब छोटे छोटे थे तो बंद हो गई थी सिक्सटी फाइव में मेरी तो उम्र की नहीं तो वो uh, हम ये यही हमारे हीरो थे वहीद मुराद नदीम मोहम्मद अली साहब तो मोहम्मद अली मेरे बड़े मैं इंस्पायर था उनसे बड़ा तो मैं मोहम्मद अली साहब के लिए वो रानी फिल्म साहब की देखने गया उसमें मैंने देखा तो कबीर साहब कभी नए नए थे टी तो शुरू हो गया था 64 में लाहौर में तो उन्होंने यंग टू ओल्ड रोल किया था मतलब है बाद में बुड्डोई का रोल और गाड़ी वाड़ी तो मैंने जब देखा तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ मैंने कहा अच्छा मैं भी छोटा था मैंने कहा यार ये तो ये काम ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा मुश्किल है तो मुझे ये करना चाहिए तो वो फिर मैंने कोशिश की कि, कि मुख्तलफ किरदार जो मेरे आस पास एक वो हीरो मैंने छोड़ दिया कि मैंने ना मोहम्मद अली बनना है ना वहीद मुराद बनना है ना नदीम बनना है मैंने एक्टर बन किसी ने मुझे कह दिया था कि भाई आ, जब मैंने रेडियो पे ऑडिशन दिया रेडियो पे ऑडिशन दिया तो रेडियो के लोग बड़े काबिल और मेरे जो प्रोड्यूसर्स वहां मुझे मिले फकीर हुसैन आदमी साहब हुसैन मुश्ताक सबाब बास सलीम बहुत बड़े हमारे प्रोड्यूसर थे उन्होंने फिर जो इसके असर है वो वो मुझे बहुत सिखाया और मैं सुनता रहा कि यार हीरो माड़ा हीरो बड़े पाए।, पाए, पाए, पाए फिर थे दो हीरो बस वो तंग करता है दो त्र गाने गा के फिल्म डायलाग बोल के तो चला जाए हीरोक्टर तो नहीं आंदोलन

बहादुर शाह जफर का बादशाह का रोल पश्तो ड्रामे में मैंने पिशावर टीवी 75 में बना था तो 75 में एक उन्होंने कॉस्ट्यूम प्ले किया तो यही मैं मस्ट अठारह उन्नीस साल का हूँ बीस साल का हूँ तो फिर मैंने बहादुर शाह जफर को उन्होंने मुझे गेटअप किया तो बहादुर शाह जफर जो अस्सी नब्बे साल का बंदा तो मैंने फिर बादशाह मशालूना एक सीरीज थी उसमें उसमें मैंने बहादुर शाह जफर का पश्तो में रोल किए बादशाह का वहाँ से फिर वो आ, मैंने कई किरदार किए तो यंग टू ओल्ड जो मैंने कैरेक्टर्स किए फिर मुझे लाहौर बुलाया गया और लाहौर में अलहमदिल्ला फिर आ, एक ड्रामा मैंने 1980 में गालीबा सेवेंटी नाइन हाँ एटी में चौदह अगस्त उन्नीस में मैंने किया बरग आरज़ू अशफाक साहब का लिखा हुआ था तो वो साल का ये 115 साल का बाबा था बुढे बाबेकर मैंने किया ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर एट दैट टाइम और वो उस पर फिर मुझे उस वक्त के जो सदर हैं जब जयाल ने मुझे ख़त लिखा तो ये पहला वाक़ हुआ था कि किसी सदर ने किसी एक्टर को अप्रिसशन लेटर अपने लेटर हेड पे लिखा हो तो मेरे पास ये एज़ाज़ फिर जब आया उन्नीस में चौदह अगस्त का तो वो अभी भी लगा हुआ यहाँ तो आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा है वो तो फिर मुझे 86, 86, 86 तो वो वो बर्ग आरजू का मैंने जो बाबे का रोल किया था एक सौ दस साल क्योंकि वो वो लोगों के लिए हैरत थी और खसूस हमारे अदाकारों को भी बहुत सारों ने मुझे पहचाना नहीं जिसमें अफजाल साहब उनकी जिंदगी सेहत अध करे वो भी शामिल है वो कहने लगे वो मुझे दो तीन दिन तक ढूंढते रहे और कहते रहे कि कौन था बंदा ये एक्टर किसी ने है जमाल है कहते वो लड़का मैंने जिंदगी में ऐसा एक्टर नहीं देखा आप जैसा अल्लाह ने आपको जिस दिन वो फिर कहता था स्टेज के ऊपर की जिस राति फिरदौस जमाल जने जिस रास जमाल जमे है उस रा बहुत ये उनका उनकी मेरे आपने माशाल्लाह रेडियो में भी बहुत काम किया में रेडियो में आपका पहला जुमला साफ चाय लाऊंगा साफ चाय लाऊंगा ये आपका आ, पहला जुमला था रेडियो आज सुनते हैं तो क्या फीलिंग आती है बड़ा <laughs> अच्छा लगता है असल में मुझे बेस्ट रेडियो का जो है ना बेहतरीन सदाकार का अवार्ड भी मेरे पास है रेडियो का बेहतरीन की बेहतरीन आवाज का अवॉर्ड भी मेरे पास है स्टेज के बेहतरीन एक्टर का भी मेरे पास अवार्ड है टेलीविजन के तो खैर बहुत सारे अवार्ड्स हैं और बस जहां माफ से आए फिल्म के फिल्म में मैं कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं कर सका क्योंकि जब मैं गया फिल्म में तो उस वक्त मरहूम सुल्तान राही का दौर था और जब राही साहब काम कर रहे हो तो फिर और काम क्या हो सकता आज के ये फन, जो यंग फनकार हैं उनको आप कैसे देखते हैं हमारा आज का मीडिया जो है वो आबेद अली, कवी खान, रुही फिर हर बंदा जो है ना झूठ बोल रहा है mostly majority, और कारोबार हो गया है मत मतलब जो इन्होंने अदाकारी मॉडलिंग को अदाकारी समझ लिया गया है मॉडलिंग और चीज है अदाकारी और चीज है आपने प्रोडक्ट बेचना है अब आप जो है ना तो वो जितनी भी हमारी काम करने वाली अदाकाराएं हैं या अदाकार हैं वो कोशिश करते हैं कि वो खूबसूरत नजर आए जबकि और वो खुद नजर आए यानी ये अदाकारी की जिद है फन्ने अदाकारी आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग यानी परफॉर्मेंस या परफॉर्मिंग आर्ट्स जिनको हम कहते हैं उसकी जिद है कि जो जैसा है वैसा नजर आए वो तो कोई भी नजर आ सकता है तो आर्ट ऑफ मैंने परफॉर्मिंग आर्ट क्या है एक्टिंग क्या है एक्टिंग वो है जो वो है वो नहीं है hmm. यानी जैसा कि वो आम जिंदगी में नजर आता है वो स्क्रीन पे वो ना हो ना हो तो आजकल की जो एक्टिंग है वो ये है कि मैं जैसा हूं मैं वैसा नजर आऊं और उससे ज्यादा खूबसूरत नजर आऊं ये hmm. मजबूरी है क्योंकि दिस इज कमर्शियलिज्म और ये जिसको हम कहते हैं ना कि ये मॉडलिंग है एक्टिंग नहीं है एक्टिंग मॉडलिंग

वो भी यही ड्रामा देख के जो इस वक्त हो रहा है वो आते हैं तो वो फिर उनको वो लोग चाहिए होते हैं जो किरदार नहीं बन सकते जो अदाकार होते हैं या स्टार होते हैं या बिकने वाले मसलन उनको टूथपेस्ट या मसाला कोई चाहिए या कोई फर्टिलाइजर का इश्तहार है कुछ इस तरह से तो ड्रामा जो है वो कमर्शल बन गया है यानी इश्तहार बन गया है ड्रामा ड्रामा नहीं रहा ड्रामे में किरदार निगारी होती है वो शख्सियत परस्ती नहीं होती वो किरदार ही अपना काम कर रहा होता है और एक कहानी होती है तो बदकिस्मती से वो जो अच्छे ड्रामे लिखने वाले हैं उनको घर बिठा दिया गया है बिठा वो बैठ गए बेचारे मजबूरन और जो खुश किस्म के और जो सतही और आमियाना किस्म के ड्रामे लिखते हैं यानी जो जिसमें अदाकारी या अदाकार नहीं होते जिसमें मार्केटिंग या प्रोडक्ट होता है तो वो होता है जबकि इसका जमीन और आसमान का फर्क है मतलब आज भी अगर हम दांते वर्जल को होमर को शेक्सपियर को आगा हशर को आज भी हम याद करते हैं तो उन्होंने कोई किसी अदाकार के लिए या किसी स्टार के लिए तो ड्रामा नहीं लिखा मसलन मतलब, आप वो आज भी यानी सैकड़ों साल हो गए हजारों साल में दांते और वर्जिल का या होमर या यूरोपडीज एस्कलीसोकलियस जिन्होंने दो दो साल तीन ढाई ढाई हजार साल पहले जो ड्रामे लिखे हैं या थेस्पस है इसका मतलब प्रीस्ट उसने लिखा ढाई हजार साल पहले लिखा तो उसने किसी उसने वो क्यों उसने खुद उसमें काम किया था लेकिन अपने लिए नहीं लिखा उसने इंसानों के लिए लिखा आने वाली जनरेशन के लिए लिखा आजकल जो ड्रामा लिखा जा रहा है वो सिर्फ अपनी जात के लिए या शायद किचन के लिए लिखा जा रहा है किचन चलाने के लिए अच्छा वो बात वो बताएं कि आपको जब आने वाले हैं ये वो बात बताएं जब आपको एक डेली जर्नलिस्ट ने बताया कि आपको इंडिया यूनिवर्सिटी में भी एज अ डिक्टिंग पोएटर उसे पढ़ाया भी जाता कैसे फीलिंग्स उम मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि वो कहने लगे कि आपको फिरदौस जमाल

बुनियादी तौर पर मैं इंसानियत के लिए करता हूँ कि कोई ऐसा काम किए जो आने वाली नस्लों को चाहे वो हमारे मुल्क के हैं चाहे पूरी दुनिया में सारे कुल मुस्लिम ख्वा एक तो ये हम कहते हैं तमाम मुसलमान भाई भाई हैं लेकिन तमाम इंसान भी भाई भाई हैं मेरे नज़दीक क्योंकि हम सब आदम की औलाद हैं आदम और हवा की तो हम अगर इंसान मसा जितनी इन्वेंशंस वेस्ट में हुई जो गैर मुसलमों ने की आज हम उनसे फायदा उठा रहे हैं आज आप सामने बैठे मैं, मैं आपके सामने हजारों मील का फासला है लेकिन ये किसी मुसलमान की जात तो नहीं है ना लेकिन हम इसका फायदा कर रहे हैं तो इसीलिए मुसलमान भी जो चीज़ मुसलमान ने जो काम किया जो अबू अली सीना ने या इब्न हैसम ने तो या रूम ने जो कुछ कहा या सादी ने वो आज भी इंसानियत के काम आ रहा है तो काम वो करना चाहिए जो एक यूनिवर्सल हो जो जो सारे इंसानों के लिए ये शायरी की तरफ आपका इंटरेस्ट है ये बाय बॉन है या कोई एक ऐसा खास हादसा है जो इसकी तरफ आपको ये शौक बेदार हो गया नहीं शायरी मैं खुद नहीं करता मैं खुद शायर नहीं हूँ ना मुझ में वो क्वालिटी है शेर कहने का ये भी एक इस्तेदाद होती है सलाहियत होती है गिफ्टेड होता है अल्लाह ताला जिसको ये दे दे हाँ अलबत् शेर पढ़ना मुझे अच्छा लगता है मैं चाहूंगा अगर कुछ आप हमारे से बल्कि पहले आ, जो, आ, ड्रामा लिखा जाता था चाहे वो अंग्रेजी में हो या ग्रीक में हो जिसमें भी हो वो वर्स में होता था यहाँ हमारा जो मतलब उर्दू ड्रामा लिखा गया शुरू शायरा ने जितने भी लिखा उस्ताद अब्दुल्ला वगैरह ने वो मंजूम था जैसे हस्ती ना चीज ठहरेगी फना के सामने शमा की लौसर उठाएगी हवा के सामने घास का तिनका सजा दे और किसे तूफान को तुमने देखा ही नहीं अब तक दिलेर इंसान को तो ये मुकालमे होते थे जी या टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन मतलब शेक्सपियर को आप देख लें वर्स में है तो वो मैंने ये सोचा कि जब मैं बचपन से ही कि ये जो मंजूम ड्रामा है और या या जब हम छोटे तो बुखारी साहब पढ़ते थे मरसी ततुल तो या जयादीन या अली साहब तो मरसी तहतुल लफ्ज़ में सुनता था तो मैं सोचता था कि ये ऐसे चूंकि आप मैं पठान था, था, था मुझे उर्दू इतनी अच्छी तो आती नहीं थी mm. तो आ, वो फिर मैंने एक मुझसे मरसी भी पढ़वाया जो कि मैं वैसे नहीं पढ़ सका तो जनाब अब्बास की शहादत पे पिंडी टीवी ब्लैक एंड वाइट की जमाने की बात तो मैं मेरे म, मुझे उर्दू इतनी अच्छी आती नहीं थी जो जो मीर अनीस और मीर दबीर जो दबीर की और अनीस की जो उर्दू है या गालिब की उससे तो हमारा दूर दूर का वास्ता नहीं था मैं पश्तो तो स्पीकिंग इनको रहे थे नहीं आम उर्दू थोड़ी बहुत बोले थे लेकिन वो जो डिक्शन है जो जो मीरनीस की है जी तो वो कहां में आती थी तो वो पहला जनाब मुझे उसका पहला बंद थोड़ा सा याद है वो मर्सियत एतुलफ तो जो मुझसे पढ़ाया गया तो वो था ग़ल آمد अब्बास कहे फौज सितम में रुबाओं को धड़का है कि शेर आता है हम में कौन इससे लड़ेगा ये सजाए यजली है शौकत में है जाफर तो शजात में अली है तय इसके पडर की सारे मरहब पे चली है अब्बा अली वाय से शमशीर अली तो yeah. ये जब मैं yeah. तो मुझे बड़ा मजा आता था एक तो उसमें रिदम फिर उसमें ड्रामेटिक्स बहुत ज्यादा थी और आपके तो अंदर एक टोटली चेंज एक्टिंग यू सेड ऑलरेडी लाइक यू like, नो you know, ये वो नहीं है जो वो आप वो, है वो नहीं था जो आप यू नो you know? तो वो ये मैं चाहूंगा मेरे अर्जे वतन वो मुझे बहुत पसंद है आपको अच्छा 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 ये अच्छा ये देखें इतफाक की बात देखें कि मेरा जो ये पहला स्टेज ड्रामा था अच्छा मेरा पहला स्टेज ड्रामा था ये 72 की बात और में फर्स्ट ईयर में गालिबंद था या सेकंड ईयर में था तो कोई ड्रामा कमर्शियल तो होता नहीं था इस्लामिक भी ड्राम, ड्रामा ड्रामेटिक क्लब थी लेकिन ड्रामा व्रामा नहीं हो रहा तो नया नया जो है ये साना मशरकी पाकिस्तान का हुआ था जुदा हुआ था तो उसपे कुछ दोस्त हमारे जाने, मन मुझ से बहुत बड़े थे बुजुर्ग मैं बुजुर्गों में बैठता था तो लाहौर पिछाड़ सदर में कुछ कैफ़ेज़ खैबर कैफे सिल्वर स्टार कुछ इस तरह के कैफेज में मैं जो अब नहीं है बदकिस्मती से वो सारे नकूश मिट गए हैं माजी के तो हम बैठा करते थे बड़े बड़े लोगों के साथ जहाँ पे अहमद फराज तक आके बैठा करते थे रोशन ताहा खान और बहुत बड़े बड़े लोग आते थे वहाँ पे हमारे ये प्रोड्यूसर्स रेडियो के टीवी के मुश्ताक शबाब ये बासित साहब इन जितने भी बड़े बड़े लोग जो पेशावर के या सुबह सरहद के कभी पेशावर आते थे मुख्तलिफ इलाक़ों से तो वो सदर में खैबर कैफे या इन कैफेज में ज़रूर आते थे मिलने के लिए तो मैं भी जाया करता था Uh, मैं जब मैट्रिक में तो वहां मैंने कुछ सदर में पेशावर सदर में मैं चूंकि शहर में रहता था तो दोस्त बना लिए थे तो मैं सिर्फ इन लोगों को सुनने के लिए hmm. कि ये क्या करते हैं साथ वाले उनकी टेबल पे बैठ जाता था hmm. तो चाय मंगवा ली थोड़े बहुत पैसे हमारे पास होते थे तो वो दोस्त वो इकट्ठे करके चंदा करके अब चाय मंगवा लेते थे लेकिन मैं सुनता रहता था इनको अहमद फराज साहब तक को मैंने फराज साहब तो वो जो सेवेंटी का जो सान हुआ मशी पाकिस्तान जब पाकिस्तान दुल्त हुआ जमाने में तो अहमद फराज ने फिर एक नजम कही है मेरी तो वो फिर जब ड्रामा हमने सोचा 72 में कि जी हमें इस पर ड्रामा करना चाहिए कुछ वो बुजुर्ग जो हमारे जिनके साथ हम बैठा करते थे तो सबने चंदा वंदा करके हमने फिर ड्रामा वो मेरा पहला ड्रामा था और मुझे उसमें शायर का रोल दे दिया अच्छा। और उन्हें कहा कि आपने ये फराज साहब की ये नजम आपको पढ़नी है पिशावर क्लब में वो हुआ था एक दो शोज उसके हुए थे तो वो फिर मैंने याद की और मैं पूछता रहा तलफुज हाँ तो, वो तो खैर अब पते पूरी तो मुझे याद नहीं है जितनी भी याद है उसी जज्बे जनून के साथ आ, तो मेरी अर्ज वतन फिर तेरी दहली यूनिगू सार खड़ा हूं कोई मुजरिम जैसे आश्क है बरसे हुए बादल की तरह बेरंग है उजड़ा हुआ मौसम जैसे सांस लेते हुए इस तरह लरस जाता हूं अपने ही जुल्म से कांप उठता है जालिम जैसे तूने बख्शा था मेरे फन को वो एजाज के जो संगे खारा को धड़कने की अदा देता है तूने वो सहर मेरे हरफ नवा को बख्शा जो दिले कतर में को छुपा देता है तूने वो इदराक दिया था मुझको जो कफे खाक को इंसान बना देता है और मैं मस्त मयरा मिश रंगे हस्ती इतना बेहिश था कि जैसे किसी कातिल का जमीर ये कलम तेरी अमानत था मगर किसको मिला जो लुटा देता है नशे में सलफ की जागीर जैसे अदालत किसी के पास, जैसे दीवाने के हाथों में परहना शमशीर जात में आईने जड़े थे इतने कि मैं मजबूर था अगर मह वे खुद आ रही था तेरी रोती हुई मिट्टी पे नजर क्या जमती कि मैं हंसते हुए जलवों का तमन्ना ही था एक पलांग उठाई भी अगर तेरी तरफ मैं भी औरों की और सिर्फ तमाशा ही था और अब हूं, तो क्या देखता हूँ एक, एक हर्फ मेरा तीर मनामत है मुझे तू अगर है तो मेरा फन भी मेरी जात भी है वरना ये शाम तरब सुबह क्या है मुझे मेरी आवाज के दुख से मुझे पहचान जरा मैं तो कह भी ना सकूं कितनी नदामत से क्या बात है बहुत खूब बहुत के अगले भी कुछ आगे भी कुछ है अभी मैं आपको बल्कि मुबारकबाद भी देना चाहता हूं आपने रिसेंटली अपना यूट्यूब चैनल बनाया है जो कि आने वाली नौजवान नस्ल के लिए एक बड़ी खुशाइन बात है कि आप जैसे एक यूनिवर्सिटी जो है उनको इस प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ गाइड भी करेंगे और अपनी पुरानी जो आपकी टॉप क्लास की जो ड्रामा सीरियल थी सी, जैसे बारिश बंद चले का सौदा मैं चाहूंगा थोड़ा सा अगर कोई उसमें से कोई डायलॉग आपको कुछ ड्रामो में से याद अगर कोई है थोड़ा सा तो अगर आप हमें वो कोई याद करा दें अब तो मुझे इतने कोई याद नहीं है मिल जाते हैं यूट्यूब पे कुछ क्लिप्स वगैरह मन चले का सौदा के मिल जाते हैं तो लेकिन बर्ग आरजू जिसमें मुझे 1980 में वारिस के फौरन बाद वारिस खत्म हुआ था मार्च 1980 में क्योंकि 79 के एंड में शुरू हुआ था छह महीने वो चला है और आ, मार्च 1980 में खत्म हो गया था तो फिर मुझे बर्ग आरजू अगस्त 14 अगस्त का आ, स्पेशल प्ले वो फिर अशफाक साहब का लिखा हुआ था जिस पे मुझे अः उसने ने, ने मुझे खत लिखा था तारीफी तो उसके चंद अल्फाज उसमें मैंने एक सौ दस साल के बाबे का रोल किया था अच्छा तो वो अपने पोते और पोती से कहता है अच्छा ये ये जो जो, जो उस्मान पीरज़ादा का भाई इमरान पीरज़ादा ये मेरा पोता बना हुआ था और कोई और लड़की जो है वो मेरी पोती थी अच्छा और मेरे ये निकट बटल एसी परे और ये बगैर अख्तर अल्लाह गनी के रहमत करी ये मेरे बेटे और बहू बने हुए थे और मैं उस वक्त मेरी उम्र क्या होगी एनीवे anyway, तो 110 साल के बाबे का रोल किया था मैंने तो उसमें वो अपने उससे कहता है कि तुम बच्चे हो तूचे हो कि तुम्हें हर वक्त किसी की उंगली पकड़ के चलेंगी जरूरत महसूस होती हो ने तुम्हें से निकाल कर मरगुजार में जन्नत में ला खड़ा किया तुम इस जन्नत की नेमतों से भी फैजियाब ना हो सके ना शुक्र तो, ये बहुत बहुत ये क्या।, जो है क्या हाल कर दिया है, है। हम रखते थे कि आपको आईलैंड बुलाए यहाँ पे कम्युनिटी फंक्शन और शोज वगैरह का इरादा रखते कोविड आ गया जैसा की आप जानते हैं फिर इनशाला जैसे ही ये पैनेडामिक का होगा तो इनशाला आप हमारे दरम्यान जरूर मौजूद होंगे में और मैं चाहूंगा कि न्यू ईयर के हवाले से और आप जो आए, पाकिस्तानी कम्युनिटी आयरलैंड में रहती है उनके लिए भी मैसेज दें मेरी सारी बातें मैसेज ही हैं ये जो मैंने अभी कहा है कि आयरलैंड में और यूरोप में अमेरिका में पूरी दुनिया में जहां-जहां पाकिस्तानी हैं और वो वाकई पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं इसका मुझे पता है मैं जब भी जाता हूं इंग्लैंड वगैरह अमेरिका भी तो जो वालेहाना मोहब्बत और इश्क लोगों को हमारे पाकिस्तानियों को इस सरजमीन से पाकिस्तान से है मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में रहने वालों को भी वही इश्क़ अल्लाता करे जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को है इसकी कदर करें इस पाकिस्तान की ये बहुत बड़ा तोहफा है ये मोजा है मेरे आका मोहम्मद मतफ़ा के नाम पर ये बना मेरे अल्लाह का ने ये हमें एक एक मुआवजा हुआ है इस्लाम के नाम पे या मदीने की रियासत बनी या फिर पाकिस्तान बना तो इसकी कदर करें खुदा के लिए बाकी तो ईरान हो गया तुर्की उनके तो अपने अपने नाम है ये इस्लामी जमहूर पाकिस्तान है मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पे ये बना है और इसके बनाने वाले देखे ना कौन है इसमें तीन नाम आपको कॉमन नजर आएंगे बनाने वाला मोहम्मद अली मोहम्मद और अली फिर साथ में तो में खातन में रिप्रेजेंटेशन किसकी है फातिमा की है फातिमा जिना है ठीक है फिर पहला वजीर आजम कौन लियाकत अली अली की लियाकत तो मतलब पाक पांचन पाकूर आकाश का अर साबा कराम के आप देखें ना तो आप इसमें आपको ये चीजें बहुत कॉमन नजर आएंगी तो इसलिए इसकी कदर करें इससे मोहब्बत करें पाकिस्तान तोहफा है अल्लाह और उसके हबीब से सलम का हम सबको और हम सब इसके सिपाही हैं हमने इसके लिए लड़ना भी है इसके लिए मरना भी है और ये हमारे फर की बात होगी कि हम इसके लिए मर भी जाए जाने कुर्बान और करते हैं लोग हमारे ऐसे जानबाज जानसार हमारे अफवाज के हमारे लोगों में कुर्बानियां देने वाले जब भी पुकारते हैं कोई तकलीफ होती है तो ओवरसीज पाकिस्तानी सब कुछ लुटा देते हैं अपने वतन पे तो ये जज्बा हम सब में होना चाहिए सब पाकिस्तानी में और मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सबको जितने भी पाकिस्तान पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं कि आप अल्लाह और उसके अबीबलम की रहमत के सारे में हैं क्योंकि आप उसके नाम पे बने हुए मुल्क से मोहब्बत करते हैं अल्लाह और उसके अबीब से सलम की मोहब्बत है आपको दिल तो करता है आपकी बातें सुनते जाए सुनते जाए बस वक्त लास्ट फाइव मिनट्स हमारे पास तो मैं चाहूंगा कि आज की इस कन्वर्जेशन का अहताब जो है आप कुछ गुनगुना दें जैसा कि आप कोई शौक बचपन से ही था गाने का तो कुछ जो आपको जो है जो भी आपको पसंद हो तो आखिर में बस थोड़ा सा गुनगुना दें मैं वैसे चूंकि मेरी रियाजत गाना एक ऐसी चीज है ना कि उसके लिए बल्कि हर काम के लिए रियाजत चाहिए होती है और गाना तो खास तौर पे उसके लिए जो है वो आपको मेहनत करनी पड़ती है तो मुझे तो वो वक्त नहीं मिला थोड़ा बहुत मैं गुनगुना देता हूँ बर्दाश्त कर लें <coughs> जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं मैं तुमर तो कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं तू मिला है तो ये एहसास हुआ क्या है, है? मुझको ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए है। बहुत खुँग, बहुत खूब, खूब। जरा सा गारा का कभी हक है जिस पर क्या मैंने वो ओ भी तेरे लिए रख छोड़ी है कुछ पे हो जाऊंगा कुर्बान तुझे चाहूंगा मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा बहुत खूब बहुत खूब बहुत शुक्रिया फरदोस साहब मैं नाह मशकूर हूँ आपने अपना कीमती वक्त निकाला मुझे ज्वाइन किया आपने खूबसूरत बातों से और मशवरों से भी नवाजा उम्मीद करते हैं कि आप इन जल्द हमारे दरमान इधर मौजूद भी होंगे मैं आपके लिए दुआ गहूँ अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आप इसी तरीके से जो अपने जूनियर आर्टिस्ट हैं उनको गाइड करते रहे और आप दुआओं की भी करूंगा कि आप हमारे लिए भी जो है वो दुआ करते रहे और अपना अल्लाह ताला आपको सलामत रखे आप सबको जहां जहां भी पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी खास तौर पर मेहनत करते हैं मेरा बेटा भी आपके पास वहीं आयरलैंड में होता है मेरी बहू भी है मेरी पोती भी है माशाल्लाह भी छोटी सी पाँच छः महीने की है अल्लाह ने मुझे दादा भी बना दिया है माशाल्लाह वो तो आप सब पे अल्लाह की रहमतें हों बरकतें हों इस मुल्क पर या इसके रहने वालों पर जो बाहर हैं जितने भी अल्लाह और उसके हबीब अबीब के चाहने वाले हैं इस मुल्क के चाहने वाले हैं अल्लाह तबारक तब सबको अपने जुबान में रखे अल्लाह सब के दर्जात बुलंद करे बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया वालेकुम अस्सलाम